हेलो गाइस वेलकम बैक कैसे हो आप लोग दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने मोबाइल से जो है यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं दोस्तों यूट्यूब चैनल के जरिए आप हजारों लाखों रुपए जो है घर बैठे कमा सकते हैं मैंने यूट्यूब चैनल के बारे में बहुत सारे वीडियो बना लिए तो आज का वीडियो हमारे पूरा होने वाला है कि आप अपने मोबाइल से जो है नया यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं और आपको मैं प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ कि, कि मैंने जो यूट्यूब चैनल बनाया है उसे एक साल के अंदरगत मैंने कितना पैसे कमाया है तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके अपने छोटे भाई को सपोर्ट कर देना तो चलिए तो दोस्तों अपने मोबाइल पर नया यूट्यूब चैनल बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए गूगल अकाउंट जो कि आपके गूल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा यहाँ पर आपने प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ से अपना जो है गूगल अकाउंट आप देख सकते हैं आपका पहला स्टेप चालू होता है गूगल क्रोम ब्राउर से यहाँ पर आपको गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउजर में आपको जो है यहाँ पर सर्च कर देना है यूट्यूब डॉट कॉम इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं यूट्यूब डॉट कॉम जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे उसका वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा आप डायरेक्ट क्लिक करके जो है यूट्यूब डॉट कॉम के वेबसाइट पर आ सकते हैं यानी कि यूट्यूब ओपन कर सकते हैं अपने क्रोम ब्राउजर में उसके बाद इस प्रकार से इंटरफेस आएगा यहाँ पर सी डॉट पर क्लिक करके डेस्क टॉप साइट को आपको ओपन करना है इससे आपका जो है मोबाइल का स्क्रीन जोड़ा है थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा यानी कि दो वीडियो के की जगह तीन वीडियो यानी कि पूरा आपको फंक्शन दिखाई देगा तो ये डेस्कटॉप साइट ऑन करके रखना है अब आपका ये चीज हो चुका है अब आपको क्या करना है यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आएगा यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो दोस्तों जैसे कि हमने अभी देखा है कि गूगल प्ले स्टोर में अकाउंट दिखाई दे रहा था वही अकाउंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है यदि आपको इस अकाउंट से नहीं बनाना है अपना जो है यूट्यूब चैनल तो यहाँ पर स्क्रॉल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर नया एड का ऑप्शन आया है एड अकाउंट टू डिवाइस तो यहाँ पर आप नया बना सकते हैं नहीं तो आप तो इसी वाले जो अकाउंट पर क्लिक करके कंटिन्यू पर आप क्लिक कर सकते हैं तो पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारा जो अकाउंट है इस क्रोम ब्राउजर के यूट्यूब से जो है लॉगिन हो चुका है अब यहाँ पर हमारा आइकन दिखाई दे रहा है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से तीन ऑप्शन आ रहा है यूअर चैनल यूट्यूब स्टूडियो और स्विच अकाउंट स्विच अकाउंट में आप जो है अपने दूसरा गूगल अकाउंट को उसमें जोड़ सकते हैं या फिर आप दूसरा गूगल अकाउंट में जंप कर सकते हैं जा सकते हैं उसी में आप जो है बना सकते हैं हो सकता है आपके पास दो तीन गूगल अकाउंट हो इसमें ना बना के आप दूसरे में यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं यूट्यूब स्टूडियो में आप जो अपने चैनल को जो है पूरा मैनेज कर सकते हैं उसी में सभी चीज़ें आपको दिखाई देता है उसके बाद है यूअर चैनल यूअर चैनल का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ जब आप क्लिक करेंगे एक नए गूगल अकाउंट में तो यहाँ पर क्रिएट चैनल आता है क्रिएट चैनल पर आप क्लिक करते हैं और क्रिएट चैनल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका जो गूगल अकाउंट में नाम होगा वो आएगा उसको आपको चेंज करके अपना यूट्यूब का जो चैनल बनाना है उसका नाम दे देंगे उसके बाद यहाँ पर आप जो है क्रिएट चैनल पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आ जाते हैं है और इसी कारण दोस्तों यहाँ पर यूअर चैनल का ऑप्शन आता है तो सबसे पहले आपको यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक करना है उसके बाद क्रोम ब्राउजर पर अब जैसे क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करेंगे तो क्रोम ब्राउजर में हमारा जो है यूट्यूब का स्टूडियो ओपन हो जाएगा जहां से आप अपने चैनल को मैनेज कर सकते हैं बना सकते हैं तो पूरा सभी प्रोसेस यहीं से होता है फर्स्ट इंटरफेस यूट्यूब स्टूडियो का इस प्रकार से होता है यहाँ पर आप जो लेफ्ट साइड देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देगा जहां पर आपका चैनल का आइकन डेस्कटॉप और बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर दिखाई देंगे तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले एक ऑप्शन ढूंढना है कस्टमाइजेशन का ठीक है तो ये ऑप्शन है यहाँ पर आपको जो है इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप जो है अपने चैनल का जो है लेआउट सेट कर सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन कि कैसा दिखाई देगा आपका चैनल क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा पूरा यहीं से आप जो है मैनेज कर सकते हैं नाम उसका थमनल मतलब हर चीज़ यहीं से होता है तो यहाँ पर जैसे देखेंगे तो तीन ऑप्शन आपको दिखाई देगा ठीक है हाँ तो ये लेआउट है और ब्रांडिंग है और बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो चैनल कस्टमाइजेशन में तीन ऑप्शन है लेआउट ब्रांडिंग और बेसिक इन्फॉर्मेशन सभी को स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं वीडियो को बिना स्किप देखते रहिए तो देखिए सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका चैनल का नाम है सबसे पहले आपका गूगल अकाउंट का नाम रहेगा इसको चेंज करके एक यूनिक नाम रखना है जैसे कि मैं आपको एक ऑप्शन उदाहरण देकर बताता हूँ आप यूट्यूब खोलते हैं यूट्यूब खोलेंगे वहाँ पर आप सर्च करेंगे सर्च करने के बाद यहाँ पर ऐसा चीज़ सर्च करेंगे जो कि और कोई दूसरे के पास ना हो तो हमारा चैनल का नाम हम एक उदाहरण के तौर पर रख लेते हैं डी के वायरल ब्लॉग्स ठीक है तो हमारा चैनल का नाम है हम यहाँ पर सर्च किए हैं उसके बाद देखिए यहाँ पर ये वाला आ रहा है कुछ अब इसको फिल्टर फिल्टर कर लेते हैं तो थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे फिल्टर पर क्लिक करेंगे अब यहाँ से टाइप पर आल है आल पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर चैनल पर क्लिक करेंगे तो जितना भी मैंने जो है सर्च किया है उस टॉपिक से रिलेटेड चैनल होगा वो आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर देख लेते हैं कोई डी वायरल ब्लॉक करके कोई चैनल है यदि होगा तो हम वो दूसरे नाम से बनाएंगे तो नहीं है तो यही वाला ठीक है अब ये आपका यूनिक नाम मिल गया इस नाम से कोई चैनल नहीं है अब उसके बाद हैंडल जैसे कि ट्विटर हैंडल आता है उस प्रकार से यूट्यूब ने नया लॉन्च किया है तो यहाँ पर आ, राइट चिन्ह ग्रीन जो है लग चुका है हैंडल बन चुका है हमारा डी के वायरल इस प्रकार से हैंडल कोई नहीं बनाया है अब डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन जैसे हमारे मेन चैनल में, में यहाँ पर आएंगे अबाउट में इस प्रकार से स्क्रॉल करते हैं स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पर अबाउट लिखा है ठीक है हमारे चैनल का अबाउट है जिस डिस्क्रिप्सन उस प्रकार से यहाँ से अपने चैनल के बारे में कुछ लिख सकते हैं बता सकते हैं अपने जो सब्सक्राइब वर्स को उसके बाद यहाँ पर जो है अपना चैनल का लिंक देख सकते हैं लिंक है या इस लिंक को आप कहीं पर शेयर कर सकते हैं अपना दोस्त फ्रेंड फैमिली के साथ या फिर कहीं पर भी ठीक है उसके बाद यहाँ पर एड लिंक का एक और ऑप्शन आया है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना जो है यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक इन सभी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर टाइटल में माई सेकेंड चैनल और यहाँ पर यूट्यूब का लिंक दे दिया हूँ जब भी आप यहाँ पर और एड कर सकते हैं यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं ठीक है तो आप इसमें बहुत सारे जो है अपना कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर अबाउट में आएंगे तो डिस्क्रिप्शन के नीचे यहाँ पर देखिए माय ब्लॉग चैनल माय इंस्टाग्राम माय फेसबुक इस प्रकार से यहाँ से आप जो है उस लिंक के माध्यम से आप जो है बना सकते हैं तो यहाँ पर तीन लिंक है हमारा तो तीन लिंक कर सकते हैं दो लिंक है तो दो लिंक यहाँ पर कर देंगे ताकि दोनों लिंक वहाँ पर अबाउट में दिखाई दे यूट्यूब में ठीक है उसके बाद यहाँ पर है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या होगा जब आपका कोई कांटेक्ट करेगा कि भैया हमारा ये टीजे एडवर्टाइज कर दो अपने चैनल में प्रमोशन कर दो तो उससे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं तो वो आप कांटेक्ट के लिए आपने जो है जीमेल आईडी वगैरह दे सकते हैं तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर भर लिया है आपको जो है बारीकी से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हमने यहाँ पर भरा है तो यहाँ पर हमने दो लिंक दे दिया है इंस्टाग्राम और सेकंड चैनल का और दोनों लिंक यहाँ पर शो होने वाला है अबाउट में वो दे दिया है साथ ही कॉन्टेक्ट के लिए यहाँ पर हमने एक उदाहरण के लिए जो है जीमेल अकाउंट दे दिया है तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो चुका है यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक करके उसको सेव कर लेते हैं ताकि गलती से भी बैक हो तो फिर से हमारा दोबारा भरने की जरूरत नहीं है अब चाहे तो गो टू चैनल में जाकर जो है अपना चैनल का देख सकते हैं आपने जो जो भरा है वो आ जाएगा अब ब्रांडिंग पिक्चर में दोस्तों आप जो है अपना खुद का पिक्चर या फिर अपने चैनल के लिए लोगो बनाकर जो है डाल सकते हैं जैसे कि मैंने अपने खुद के चैनल में अपना खुद का जो है पिक्चर यहाँ पर डाल दिया है आप भी अपना खुद का पिक्चर डाल सकते हैं आगे, आगे आपको बताने वाला हूँ उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपका जो है बैनर ठीक है आपके चैनल के जैसे यहाँ पर मेरा टेक्निकल डी के साउट टू करके बैनर बना है ऊपर में बड़ा वाला पिक्चर वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं तो इस प्रकार से जो है बैनर रहता है अब उसके बाद आप जो है नीचे आएंगे तो नीचे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा वाटर मार्क ठीक है तो यहाँ पर वीडियो वाटर मार्क जैसे कि आप सोनी का कोई भी वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर सोनी का आइकन बना होता है उसी प्रकार से एक वाटर मार्क वाला लोगो बनाकर आप जो है अपलोड कर सकते हैं है आपके वीडियो में वाटर मार्क आएगा आपका चैनल का अब यहां पर कैसे अपलोड करना है तो सबसे पहले जैसे पिक्चर अपलोड करना है तो अपलोड पर क्लिक करेंगे यहां पर अपने पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा यहां पर एडजस्ट करके आपको जो है डन पर क्लिक कर देना है तो आपका जो है चैनल में पिक्चर यहां पर अपलोड हो जाएगा तो यहां पर डन पर क्लिक करते हैं डन पर क्लिक करने के बाद ये जो है हमारा अपलोड हो चुका है आप चाहे तो इसको जो है रिमूव कर सकते हैं चाहे तो चेंज कर सकते रिमूव पर आपको या फिर चेंज करना यहां पर ठीक है तो उसके बाद आप नीचे आएंगे तो बैनर भी अपलोड करना है तो अपलोड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करने के लिए इसका भी वीडियो आप जो है बन चुका है ये वाला वीडियो आप देख लेना इस वाले वीडियो में पूरा बता दिया हूँ कि किस प्रकार से बैनर बनाना है चैनल के लिए तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से आपको जो है एडजस्ट कर लेना है उसके बाद डन पर आपको क्लिक कर देना है तो आपके चैनल का बैनर भी कुछ इस प्रकार से अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पर हम डन पर क्लिक कर लेते हैं और अपलोड कर लेते हैं तो इसका रिव्यू आप देख सकते हैं कि मोबाइल पर लैपटॉप पर कंप्यूटर में कैसा दिखाई देगा ये आपको छोटा छोटा दिखाई दे रहा है ठीक है तो आप चेंज कर सकते हैं या फिर रिमूव ही कर सकते हैं उसके बाद आपको जो है वाटर मार्क अपलोड करना है तो वहाँ पर अपलोड पर क्लिक करके कर सकते हैं तो इतना वे सीख दोस्तों उसके बाद आपको जो है पब्लिश पर क्लिक कर देना है तो आपका सेव हो जाएगा सेव होने के बाद लेआउट पर आएंगे लेआउट पर आएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन है चैनल ट्रेलर का जहाँ पर आप उसका चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग आपके वीडियो को देख सकते हैं ऐड का ऑप्शन है एड कर देना है उनके लिए और फीचर वीडियो में आप जब भी कोई चैनल को सब्सक्राइब करता है वो आपके वीडियो को देख सकता है वहाँ पर एक वीडियो अपलोड करना पड़ता है आगे आपको दिखाने वाला हूँ उसके बाद जैसे फीचर सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है शॉर्ट वीडियो अपलोड किए हैं अपने चैनल पर वो आपको दिखाई देगा आपके चैनल के होम स्क्रीन पर उसके बाद वीडियो दिखाई देगा आप चाहे तो एडि सेक्शन पर क्लिक करके और भी फीचर एड कर सकते जैसे आपके पॉपुलर वीडियो दिखाई देने देंगे प्लेट लिस्ट दिखाई देंगे सब्सक्रिप्शन दिखाई देंगे जैसे कि यहाँ पर मेरे चैनल में सबसे पहले मैं जो वीडियो है जो सब्सक्राइब किए हैं वो देख सकते हैं या फिर नहीं किए वो देख सकते हैं उसके बाद ब्लॉग यानी कि मेरा चैनल पॉपुलर वीडियोस उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर मेरा वीडियोस है और उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो शॉर्ट वीडियो है तो हमारे चैनल में इस प्रकार से जो है सभी चीजें अच्छे से मैनेज करके रखते हैं अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में आपको डेस्क बोर्ड में आना है यहाँ पर डेस्क बोर्ड लेफ्ट साइड में ऑप्शन इस पर क्लिक करना है तो फिर से आप जो है यूट्यूब के क्रिएटर स्टूडियो में आ जाएंगे अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा नीचे में लेफ्ट साइड में ही सेटिंग का ठीक है सेटिंग के ऑप्शन में जाएंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे यहीं से आपका यूट्यूब का मेन जो सेटिंग है चालू होता है आपको एक भी सेकेंड स्किप नहीं करना है यहाँ पर आपको चैनल में आएंगे चैनल में आएंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको कंट्री सेलेक्ट करना है कंट्री सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा यहाँ पर आपका जो भी कंट्री है आपको सेलेक्ट करना जैसे हमारे केस में हमारा जो इंडिया है तो हमारे इंडिया के लिए एक यूट्यूब सर्च करेंगे तो आगे में आना चाहिए उसके लिए हमें यहां पर कीवर्ड डालना पड़ता है जैसे टेक्निकल डी के साहू यहाँ पर एक्साम्पल देकर मैं बता रहा हूँ टेक्निकल डी के साहू लिखा फर्स्ट में हमारा चैनल आ चुका है तो इस प्रकार से कीवर्ड डालेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप जैसे टेक्निकल वायरल ब्लॉग डी के ब्लॉग तो इसको हम सर्च करेंगे गूगल या youtube में तो हमारा चैनल या फिर चैनल का वीडियो फर्स्ट में आना चाहिए इस प्रकार से 15 से 20 कीवर्ड डाल लेना है उसके बाद एडवांस सेटिंग में जाएंगे यहां पर आपको जो है एक ऑप्शन दिखाई जाएगा कि डू यू वांट टू सेट योर चैनल अस मेड फॉर किड्स यानी कि आपका वीडियो या फिर आपका चैनल केवल किड्स के लिए यानी कि बच्चों के लिए है तो यहां पर आपको नो पर क्लिक करना है क्योंकि नो पर क्लिक करेंगे तभी आपका जो है सभी को आपका वीडियो या फिर चैनल दिखाई देगा यस पर क्लिक करेंगे तो केवल बच्चों को ही आपका जो है चैनल का वीडियो या फिर चैनल रिकमेंडेड किया जाएगा भेजा जाएगा उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है फीचर इजिबिलिटी यानी कि यहाँ पर तीन ऑप्शन है सबसे पहला स्टैंडर्ड फीचर दूसरा है इमिडिएटेड फीचर और तीसरा है आपका जो है एडवांस फीचर बहुत बारीकी से ध्यान देना है यही सब चीजें मेन हैं तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फीचर में आप जो है अपने यूट्यूब चैनल में बेसिक जो है वीडियो अपलोड कर सकते हैं प्ले बना सकते हैं कुछ इस प्रकार से छोटे छोटे चीजें कर सकते हैं जो कि पहले से ऑन रहता है इनेबल रहता है तो यहाँ पर देख सकते हैं एरो के आइकन पर क्लिक करके तो यहाँ पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं प्ले लिस्ट बना सकते हैं ये चीज़ें जो है नॉर्मली पहले से ही रहते हैं तो आपको ये चीज़ें तो इनेबल है इसको करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन दूसरा चीज़ आपको इनेबल करना होगा तो आप नीचे आएंगे इमिडिएटेड फीचर इसमें क्या होगा वीडियो तो अपलोड करेंगे लेकिन आप जो है पंद्रह मिनट से भी ज़्यादा लंबा का जो है वीडियो अपलोड कर सकते हैं यानी पंद्रह मिनट से लॉन्ग वीडियो जो है अपलोड कर सकते हैं खुद का वीडियो का जो है थर्मनल बना सकते हैं लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं कोई भी कॉपीराइट के लिए जो है आप जो है अप्लाई कर सकते हैं कॉपीराइट कंटेंट के लिए तो बहुत सारे चीज़ें जैसे यहाँ पर एरो पर क्लिक करके आपको एक झलक दिखा देता हूँ जैसे कि पंद्रह मिनट से ज़्यादा वीडियो कस्टम थर्मिनल बना सकते हैं लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं तो इन सभी चीज़ों को करने के लिए आपको अपना फ़ोन नंबर जो है वेरीफाई करना होगा सत्यापित करना होगा तो ये वेरीफाई यूअर फ़ोन नंबर का एक ऑप्शन है इस पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है नंबर वेरीफाई करना है तो चलिए नंबर वेरीफाई करके भी दिखा देते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद क्रोम पर क्लिक करेंगे क्रोम पर क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस हमारे सामने ओपन होगा यहाँ पर आपको जो है टेक्स्ट मी और कॉल मी यानी कि टेस्ट के थ्रू ओ प्राप्त तो करना चाहेंगे अपने फ़ोन नंबर पर या फिर कॉल के थ्रू कॉल के थ्रू करना चाहें तो कॉल पर क्लिक कर सकते हैं नहीं तो टेस्ट पर रहने देना है उसके बाद अपना कंट्री सेलेक्ट करना है तो इंडिया हमारा पहले से है तो पहले से ही रहने देते हैं इंडिया में अब इंडिया आपको सेलेक्ट कर लेना है जो कि हमारा थोड़ा सा इधर उधर हो चुका है तो इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं इंडिया के लिए एक लाइक जरूर करना है और बहुत ही मेहनत लगे मेरे को इस वीडियो को बनाने में यहाँ पर अपना मोबाइल

तरह तरह के जितने भी फंक्शन हैं आपको सभी जहाँ तक से एक और फंक्शन है कम्युनिटी गाइड कम्युनिटी टैब का ठीक है कम्युनिटी टैब में क्या होता है आप अपने चैनल में कुछ भी अपने पोस्ट शेयर कर सकते हैं अपना वीडियो शेयर कर सकते हैं यहाँ तक से आप इसमें आ, क्या बोलते हैं मोनिटाइजेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं ये बहुत सारे फीचर इसमें आ चुके हैं तो इसके लिए एक्सेस पर क्लिक करना होगा जैसे ही एक्सेस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो है एक नया ऑप्शन खुलकर आने वाला है तो ये बहुत ही मेन ऑप्शन है तो यहाँ पर तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा यूज़ वीडियो वेरिफिकेशन दूसरा है यूज यूअर वैलिड आई और तीसरा ऑप्शन मिलेगा बिल्ड चैनल हिस्ट्री तीनों को बारीकी से बताएंगे अच्छे से समझिए सबसे पहला है यहाँ पर यूज वीडियो वेरिफिकेशन आप अपने चैनल को सत्यापन करेंगे जो है यहाँ से तीस सेकेंड का वीडियो बनाएंगे सेल्फी टाइप जिससे आपका फेस को रिकॉर्ड किया जाएगा गूगल के द्वारा और आपका चैनल को जो है आप सत्यापित कर पाएंगे आगे आपको बताने वाले हैं उसके बाद यहाँ पर यूज वैलेड आईडी यानी कि आपके पास कोई भी गवर्नमेंट आईडी है जैसे लाइक पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस उससे भी आप अपने चैनल को सत्यापित करके चालू कर सकते हैं उसके बाद है विल्ड चैनल हिस्ट्री आप इसको करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका चैनल बढ़ता जाएगा आगे आपके फेस रिकॉर्ड होते जाएंगे आपका खुद का एक फेस वैल्यू बनेगा आपका खुद का एक वैल्यू बनेगा तो उससे चैनल ऑटोमेटिक जो सत्यापन कर लेगा आपको अब यहाँ पर फर्स्ट में करेंगे तो जल्दी हो जाता है तो यहाँ पर आपको फेस वेरी पर क्लिक करना है फेस वाले पर ठीक है तीस सेकंड का वीडियो बनाना है तो यहाँ पर करके आपको जो है नेक्स्ट पर क्लिक करना है तो चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर हमारा जो है मेल दिखाया जाएगा यहाँ पर आपको एक मेल भेजा जाएगा आपके ई बॉक्स में तो यहाँ पर गेट ई पर क्लिक करेंगे तो गेट ईमेल पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमारे पास एक मेल आ चुका है जैसे कि थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक मेल आ जाएगा थोड़ा सा वेट कीजिए तो थोड़ा सा वेट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये मेल आ चुका है लगभग लगभग तो ओपन करके दिखा देते हैं ऊपर में देखिए आ चुका है और इसको ओपन कर लेते हैं दोस्तों आपको बारीकी से बता रहा हूँ वीडियो हालांकि लंबा होगा लेकिन पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको जो है इस प्रकार से ईमेल आएगा यहाँ पर आपको नीचे आना है ठीक है नीचे आएंगे तो बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन रहेंगे उसमें जो है स्टार्ट वेरिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है स्टार्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक और नया ऑप्शन आएगा यहाँ से आपको फिर से आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद सभी चीज़ें इंस्ट्रक्शन हैं निर्देश आपको पढ़ लेना है पढ़ना है तो नहीं तो आपको मैं बता ही रहा हूँ यहाँ पर चेक बॉक्स में करके आई एग्री पर क्लिक कर लेना है उसके बाद फिर से आपको एक नया जो ऑप्शन आने वाला है यहाँ से आप जो है नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से अलाउ का ऑप्शन आएगा कैमरा को अलाउ करना 30 के लिए वीडियो बनाना है इस प्रकार से ऑप्शन यदि आता है तो आपके क्रोम ब्राउजर को आपको जो पूरा डाटा क्लियर कर लेना है और उसके बाद फिर से दोबारा ट्राई करना है तो यहाँ पर आपको दोबारा ट्राई करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पर फिर से इंस्टा पर क्लिक करके मैं जो है यहाँ पर अपना फेस रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ तो कुछ इस प्रकार से जो है ओपन होगा यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि ऊपर कीजिए शेर को नीचे कीजिए आपको फेस को क्लोज कीजिए तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ तो सबसे पहले आपको जो है इस प्रकार से थोड़ा लाइट वाले जगह में जाना है और इस प्रकार से सामने में फेस रखना है और गूगल खुद बताएगा जैसे ऊपर कीजिए फेस करके नीचे कीजिए फेस करके इस प्रकार से बताएगा और वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर दोबारा चेक करेंगे तो कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद लगभग यहाँ पर चालू हो जाएगा और आपके चैनल में कम्युनिटी टैब जो है ओपन हो जाएगा आपका पूरा चैनल बन जाएगा अब आपको यहाँ पर एक ये काम और करना है यहाँ पर जो है लेफ़्ट हैंड साइड में आएंगे बहुत सारे ऑप्शन हैं उसमें देखना एक होगा मोनेटाइजेशन का ऑप्शन तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा सा आ, वेट करते हैं एक नया ऑप्शन आएगा खुल के यहाँ पर देखिए आ चुका है ग्रो विथ यूट्यूब तो यहाँ पर एक हज़ार सब्सक्राइबर चार हज़ार घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना है या फिर आप शॉर्ट वीडियो में दस मिलियन व्यू लाते हैं तो भी आपका चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा तो एक हज़ार सब्सक्राइबर दस मिलियन व्यूज या फिर आ, या मतलब शॉर्ट में या फिर आ, चार हज़ार घंटे का वॉच टाइम करना है और ये दो है यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो अप्लाई हो चुका है और जब भी हमारा जो है तीनों चीज़ कंप्लीट हो जाएगा या फिर दो चीज़ ठीक है एक तो दस मिलियन व्यूज शॉर्ट में या फिर अपना जो है चार हज़ार घंटे का वॉच टाइम और प्लस सौ एक हज़ार सब्सक्राइबर तो हमारा चैनल जो है यहाँ पर मोनेटाइज के लिए जो है योग्य हो जाएगा तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर देना मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत